शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन जब अपने जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखों में आंसू थे। आज ही के दिन पुलवामा में आतंकी हमले में हमारे देश के वीर जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले के बाद जहां एक तरफ लोगों ने नम आंखों से शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बदले की आग भी धधक रही थी। सभी राजनीतिक दलों एवं सिविल सोसाइटी की भावना एक ही जैसी थी। पूरी दुनिया ने इस हमले की निंदा की थी। यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के लगभग सभी देशों ने आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई को समर्थन देने का ऐलान किया था। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद सुबह जब देशवासियों की आंखें खुलीं, तो वे खुशी से झूम उठे, क्योंकि 26 फरवरी को तड़के इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के कैंप में बम बरसाकर वापस लौट चुके थे। इस एयर स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकवादी ट्रेनर और सीनियर कमांडेंट मारे गए थे। इस प्रकार पुलवामा हमले के 12 दिन बाद ही हमारे देश ने पुलवामा हमले का बदला ले लिया था। आज पुलवामा हमले को 1 साल हो गया है। पूरे देश में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। पुलवामा हमले में मेहनपुरी जनपद के गांव विनायकपुर निवासी राम वकील माथुर भी शहीद हो गए थे। उनके शहादत दिवस पर आज उनके गांव विनायकपुर में शहीद मेला का आयोजन किया जा रहा है। विनायकपुर में शहीद मेले में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो वहीं जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने शहीद मेला में पहुंचकर पुलवामा शहीद राम वकील माथुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पुलवामा शहीद राम वकील माथुर की पत्नी को शाल उड़ाकर सम्मानित भी किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने पुलवामा शहीद राम वकील माथुर के गांव जाकर उनके समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। करहल तहसील परिसर में भी पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को उपजिलाधिकारी रतन वर्मा, तहसीलदार सुशील कुमार, लेखपालों, तहसील कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं नगर के लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। करहल के न्यू लॉर्ड कृष्णा ग्लोबल एकेडमी में भी पुलवामा शहीद राम वकील माथुर को श्रद्धांजलि दी गई। शाम को करहल में शहीद स्मारक पर कल्प ठाकुर के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने पहुंचकर पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं गांव किरतुआ में मनु पांडे के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।